बाहुबली के बाद प्रभास का कोई एक्शन मूवी है वो है साहू। क्या एक्शन मूवी निकाला है साहू, द एक्शन किंग, द बाहुबली। प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, कैसे हैं आप? मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। प्रभास की पिक्चर साहू जैसा आप समझते हैं वैसा पिक्चर इसमें कुछ है नहीं। पिक्चर में कहानी नाम की चीज़ तो कुछ है नहीं, पर पिक्चर जैसे तैसे चलती है। दरअसल कहानी ऐसे कि चोरी हो जाती है मुंबई में सबसे बड़े बैंक में, और वो उस पैसे को चोरी किए हुए जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए कि ये पैसा किसने चोरी किया है उसको पता लगाने के लिए एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम करते हैं हमारे हीरो प्रवास, और हीरोइन एक डिटेक्टिव एजेंट होती है। वाकई ये पिक्चर में कोई दम नहीं है, सिर्फ एक्शन है, गाने हैं, बस इसके लिए ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में बड़े बड़े एक्टर ने एक्ट्रेस ने काम किया है, पर पिक्चर में कुछ है नहीं। हीरोइन शारदा कपूर, इन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग तो किया है, हीरो ने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया है। एक तेलुगु एक्टर होने के नाते प्रभास हिंदी पिक्चर में हिंदी में बात करने की कोशिश तो की है, पर ठीक है, पिक्चर आप प्रभास के लिए पिक्चर देख सकते हैं, पर अगर ऐसे भी आप पिक्चर देखना चाहें पिक्चर में कोई दम नहीं है। बाकी पिक्चर ठीक है, देख सकते हैं एक बार। अगर आप एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो फिर अभी पिक्चर आप देख सकते हैं। बाकी पिक्चर में कुछ कहानी नहीं है, कुछ डायलॉग बराबर नहीं है, बस जैसे जैसे पिक्चर चलता है कहाँ कहाँ से ट्विस्ट आता है नहीं मालूम, बस अजीबो गरीब ट्विस्ट आता रहता है। पिक्चर में कोई स्टोरी नहीं है, पर पिक्चर बस एक्शन 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 चलता रहता है और लोग पिक्चर देखते हैं, पर पिक्चर में कुछ मजा नहीं है। लोग पब्लिक देख तो रही है थिएटर में, पर कुछ समझ नहीं रही है पब्लिक को कि कहाँ से क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। बस चल रहा है एक एक्शन मूवी, बस अब देख रहे हैं। पिक्चर में कोई दम नहीं है, स्टोरी कुछ नहीं है उस पिक्चर में, बस आप एक एक्शन के लिए देख सकते हैं, गाने के लिए पिक्चर देख सकते हैं, बाकी पिक्चर में कुछ कहने लायक है नहीं। प्रभास ने नहीं मालूम कि ये पिक्चर उन्होंने एक्सेप्ट किए बाहुबली के बाद एक एक्शन किंग के तौर, एक एक्शन हीरो के तौर में, और उनकी ये पिक्चर हिंदी में डबिंग किया गया है, जैसे लाइक नॉर्मल एक साउथ इंडियन एक्शन मूवी की तरह ही है। पर एक एक्शन मूवी होने के नाते पर स्टोरी जैसा आप सोच सकते हो उसमें स्टोरी कुछ है नहीं, बस पिक्चर चलता है और चल रहा है जैसा तैसा करके। और पिक्चर में तो आप देख सकते हैं कि सब बड़े बड़े इसमें एक्टर्स ने एक्टिंग की है, जैसे जैकी श्रॉफ हुए, फिर जूकी पांडे हुए, फिर इसमें मंदिरा बेदी हुई, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स ने एक्टिंग किया है, पर इन लोगों ने इस पिक्चर को क्यों सेलेक्ट किया नहीं मालूम। इस पिक्चर का स्टोरी बराबर नहीं है, डायरेक्टर ने जैसे तैसे इस पिक्चर को एक्टिंग किया, और इसमें कुछ कहना, अगर पिक्चर में अगर स्टोरी भी नहीं है तो एक्टर्स का डायलॉग, एक्टर जो एक्टर्स लोग उसमें डायलॉग बोलते हैं और इनकी जैसे एक्टिंग प्रेजेंट करते हैं उसके कारण तो पिक्चर चल जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है पिक्चर, अचानक एक्शन आता है, एक्शन मूवी की तरह आप देख सकते हैं, बस एक पिक्चर को पिक्चर की नहीं देख सकते हैं। पिक्चर में कुछ दम नहीं है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अभी लाइक बजा के ठीक टाइम पिक्चर देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप जरूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।